मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस नए प्रयोग में, जहां आपके होते हैं सवाल और मेरे होते हैं हल। ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, एक सज्जन से आया है जो कि बैंक में नौकरी ढूंढ रहे हैं और बड़ी तैयारी में लगे हैं। तो सवाल कहता है कि 160 का स्क्वायर रूट परसेंट जो है वो 64/2 यानी कि 32 है। तो ये जो स्क्वायर रूट परसेंट के अंदर क्वेश्चन मार्क है, ये नंबर क्या होना चाहिए? 20, 40, 200 की 400, ये निकालना है। तो इसको हम दो तीन तरीके से समझेंगे। पहला तो बिल्कुल ही शॉर्टकट तरीका, जो जो एक्चुअली काबिल लोग हैं बैंक में नौकरी पाने के लिए उन्हें करना चाहिए, और दूसरा वो शौकिये लोग जो बैंक के एग्ज़ाम के लिए बैठते हैं मगर उस नौकरी को लेते नहीं हैं, तो उनके लिए भी मैं तरीका समझा दूंगा। तो ये दो तरीके हम समझेंगे, मगर उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस नौकरी के लिए आप जा रहे हैं आपका एटीट्यूड और एप्टीट्यूड भी वैसे ही होना चाहिए, राइट? नहीं तो एग्ज़ाम पास करने के बावजूद ज़रूरी नहीं कि आप उस नौकरी में टिकें। तो उसके बारे में 2 मिनट बात कर लें। तो वो ये है कि बैंक की नौकरी से मुझे नोटों की याद आती है, तो याद रखें कि चाहे नोट बंद हो जाएं या उनके रंग बदल जाएं, मगर आप टिके रहें, ठीक? आप टिके रहें तब तो आप सफलतापूर्ण इसमें निकल जाएंगे। और आज सुबह मैं सैर के लिए गया था तो एक बड़े ही अजीब सा, बहुत ही प्यारा सा मैं कहूँगा कि नज़ारा देखा और मुझे याद आ गया। तो ये देखिए आप वीडियो, और उसके बाद हम इस सवाल का जवाब निकालते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं 2 मिनट के लिए। तो जनाब, उम्मीद है आपको मज़ा आ गया होगा देखकर। ये अद्भुत जानवर है जो बड़ी मुश्किल से हमारे शहर में दिखाई देता है और बड़ी किस्मत से दिखाई देता है। मैं तो इसकी फिराक पे हमेशा ही रहता हूँ और आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी जो ये मुझे नज़र आ गया। तो आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है इन रास्तों से गुजरते वक्त। आपने नोट किया होगा कि उस इंसान के निकलने के तुरंत बाद ही ये सड़क पर चली आई थी, और इसको कोई झिझक नहीं थी इधर उधर से सूंघने की और सड़क को चाटने की और फिर निकल जाने की, और वाकई अपने मकाम पे पहुंच गई होगी। बड़ी सफलतापूर्ण इसकी ज़िंदगी यहाँ बीतती है। तो चलिए अब सवाल पर वापस आते हैं। और आपने ये नोट किया होगा हमारी स्ट्रेटजी, हमने जनाब सवाल का रंग ही बदल दिया। तो अब दोबारा से सवाल देखें अलग रंग में। 160 का स्क्वायर रूट परसेंट दिया हुआ है, 64/2, मतलब 64 का 2 से भाग दिया तो 32 होता है। तो जब आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो जब आप सवाल पढ़ेंगे ना, तो आप सवाल को पढ़ेंगे ही ऐसे कि 160 का स्क्वायर रूट परसेंट 32 होता है। तो ये 32 जो है ना, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जाएगी, आप ये इस हिसाब में नहीं लगेंगे। समय बचाने की बात कर रहा हूँ मैं। और बैंक में नौकरी लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी गोटियाँ बिठाएं। तो हमारी स्ट्रेटजी है गोटी बिठाने की। तो गोटी सही बैठ जाएगी तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे और इस नौकरी में टिके रहोगे। तो जी देखिए कैसे गोटी बिठाई जाती है। ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला नंबर निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन मार्क इनमें से कौन सा है? अब मुझे ये मालूम है कि स्क्वायर रूट 20 का तो मुझे आता ही नहीं, कि बैंक की नौकरी के लिए आप कोई जो है ना रॉकेट साइंटिस्ट या इंजीनियर तो ढूंढ नहीं रहे जो इन सवालों के इस तरह से जवाब दे देगा बगैर कैलकुलेटर के। और 40 का अगर आपको पता भी है 2 या 20, तो वो गलत पता है तो वो तुक्का ना लगाएं। मगर 400 का फर्म है, आपको मालूम है जी 400 का जो स्क्वायर रूट है वो 20 है। तो इसमें से हमें ये जो है ना नंबर, ये थोड़ा आसान मिलता है, कहीं से तो शुरुआत होगी। तो जैसे ही सवाल करें समय ना खराब करें, आप शुरू हो जाए बस। तो 160 का स्क्वायर रूट आपने देखा, ये 20 हो गया स्क्वायर रूट। तो ये पूरा का पूरा अगर मैं 20 मान लूँ तो मेरा सवाल हो गया 160 का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है 20%, मतलब 20/100। 0.2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 20/100। ये जो है वो 32 होना चाहिए,
सो जब निकाला तो आपको मिल ही गया 32, देखा ना, तो सीधा जवाब मिल गया तो आपने इसको टिक कर दिया और आप आगे बढ़े। तो इस तरीके से जो है वो आसानी से ये सवाल हो जाता है। मान लीजिए कभी कोई और नंबर है नहीं मिला, तो फिर आप एस्टीमेट तो कर ही सकते हैं ना, तो आपका दूसरा ऑप्शन है एस्टीमेट की, आप एस्टीमेट करके आगे जाएं, समझ गए। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम रॉकेट साइंटिस्ट हैं और इंजीनियर हैं और हम इस बैंक की नौकरी में बैठ गए शौकिया, तो हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तो वो तरीका भी देख लेते हैं। तो वो तरीका ये है कि ये सवाल अब ऐसे मिल गया हमें कि 160 का ये नंबर हमें पता ही नहीं, ओके जी, ये नंबर हमने ऐसे ही डाल दिया, का परसेंट निकालना है हमें और ये होना चाहिए 32, जो कर सकते हैं उतना तो कर ही देते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर रूट यहाँ लिखा 32 टाइम्स 10 और भाग दिया 16 से, 16 दुनी 32 और निकल आया 20। ये स्क्वायर रूट है, हमें क्वेश्चन मार्क निकालना है क्या है, तो क्वेश्चन मार्क जो है वो 20 का स्क्वायर ही होगा जो कि 400 हो गया। जवाब अभी भी निकल गया, समय ज़रा से ज़्यादा लगा मगर कन्फर्म्ड है कि सही जवाब है। तो ये दूसरा तरीका है आपके लिए निकालने का, मगर मैं फिर वापस आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अप्रोच हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपने सही गोटी बिठा दी ना, तो आप इसमें पास भी हो जाओगे, सफलतापूर्वक नौकरी भी करोगे और सक्सेस पाओगे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी राइट तरीका भी पता है, ये तरीका आपके काम में आएगा क्योंकि आप इस किस्म के सवाल प्रैक्टिस करें और उसके बाद इस इम्तिहान में बैठें। और तो जनाब, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आया हो तो आप ज़रूर लिखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मुझे सब्सक्राइब करें और इसी तरह प्रेम पूर्वक अपने सवाल भेजते जाएं। आपके सवाल मेरा हल ही मुद्दा है ये। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।